मैं हूं अदीबा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी ने सरकारी मुलाजमीन को तफ्तीश में मुब्तला कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की यूनियन का कहना है कि मुलाजमीन रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी के सबब तश्वीश में मुब्तला हैं। वफाकी मुलाजमीन को हफ्ते में कम से कम दो दिन दफ्तर में काम पर वापस आना लाजमी है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मौसम का खसूसी बयान जारी। शहर में 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। बर्फबारी का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान है। कनाडा में पनाह के मुतलाशियों को दूसरे सूबे में भेजा जाए। क्यूबेक के वजीर आला का कैनेडियन वजीर आजम का खत। वजीर आला को क्यूबेक का कहना है कि क्यूबेक अपनी गुंजाइश से ज्यादा पनाह गजीनों को कबूल कर चुका है। तालिबान का अमरीकी फौजी अड्डों को इकोनॉमिक जोन्स में तब्दील करने का फैसला। अफगान नायब वजीर आजम का कहना है कि काबुल और बल्ख के फौजी अड्डों को इकोनॉमिक जोन्स में तब्दील करने का मंसूबा जल्द शुरू हो जाएगा। तमाम तर तवज्जो तजारत और सरमायाकारी के जरिए मुआशी खुद किफालत को बढ़ाने पर मरकूज है। जो बाइडन का दौरा यूक्रेन, रूस के खिलाफ मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। जो बाइडन का कहना था कि अमरीका यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। हमें पूरा एतमाद है कि यूक्रेन गालिब रहेगा। व्हाइट हाउस का कहना था कि दौरे की मंसूबाबंदी कई महीनों से की जा रही थी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा में रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी ने सरकारी मुलाजमीन को तश्वीश में मुब्तला कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी ने सरकारी मुलाजमीन को तश्वीश में मुब्तला कर दिया है। कनाडा के वफाकी सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाली एक यूनियन का कहना है कि उसके सैकड़ों मेंबरान ने हुकूमत के दफ्तर में वापसी के मंसूबों से दरपेश चैलेंजों को नेविगेट करने में मदद मांगी है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ कनाडा का कहना है कि उसके 1100 से ज्यादा मेंबरान ने इस मंसूबे के बारे में मुख्तलिफ खदशात के साथ यूनियन से राबता किया है, जिसके तहत वफाकी मुलाजमीन को हफ्ते में कम अज कम दो दिन दफ्तर में काम पर वापस आना लाजमी है। PIPSC की सदर जेनिफर कार का कहना है कि जैसा कि हमें खदशा था, अब हम इस उजलत में लागू की जाने वाली रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी के सबब तश्वीश में मुब्तला हैं। बहुत से महकमे और एजेंसियां इस हुकूमती हुकुम में शामिल अमली हकायक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार ना थी। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह पब्लिक सर्विस में अपना नया हाइब्रिड वर्क मॉडल कायम किया, जिसके तहत मुलाजमीन को हफ्ते में दो या तीन दिन दफ्तर में काम करने की जरूरत होती है। COVID-19 वबाई मर्ज के आगाज के बाद से बहुत से मुलाजमीन घर से काम कर रहे थे। तमाम महकमों को मार्च के आखिर तक नए हाइब्रिड वर्क मॉडल की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर की यूनियन से इस मंसूबों की सख्ती से मुखालफत की है। उनका कहना है कि इससे पैदावारी सलाहियत पर मनफी असर पड़ रहा है। PIPSC जो 72,000 से ज्यादा मुलाजमीन की नुमाइंदगी करती है का कहना है कि उसके अराकीन ने काम की जगह की हिफाजत, दफ्तरी आलात की दस्तियाबी, नेटवर्क की गुंजाइश, काम के मुहैदे की खिलाफ वर्जी, रिहाइश के मसाइल और बच्चों की देखभाल की दस्तियाबी के बारे में खदशात का इजहार किया है। जेनिफर कार का कहना है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें स्कूल से पहले और बाद में सोर्स करने में दुश्वारी होती है, क्योंकि ये फैसले सितंबर में होने चाहिए थे और इस मैंडेट ने इस पर गौर नहीं किया। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मौसम का खसूसी बयान जारी किया गया, जब वस्त हफ्ते का तूफान करीब आ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मौसम का खसूसी बयान जारी किया गया जब अगस्त हफ्ते का तूफान करीब आ रहा है। तवक्को है कि तूफान बुध की रात से शुरू होकर जुमेरात तक जारी रहेगा और इसके नतीजे में ड्राइविंग के हालात खराब हो सकते हैं। इन्वायरमेंट कनाडा ने जारी करदे खसूसी मौसमी बयान में कहा कि पूरे इलाके में बर्फ और बर्फ के गोलों के सबब सर्दी के इजाफे की तवक्को है और बाज़ औकात बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है जिससे मौसम में सर्मा के खतरनाक सफरी हालात पैदा हो सकते हैं। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि बर्फ की वजह से शाहराहों, सड़कों और पैदल चलने के रास्तों के साथ सफर पर नुमाया असर पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि उन इलाकों में बर्फ का जमा होना दरख्तों और बिजली की लाइनों को गिराने के लिए काफी हो सकता है, मुमकिन तौर पर बड़ी बिजली की बंदिश का सबब बन सकता है। लंदन से टोरंटो और किंगस्टन तक बर्फ और बर्फ के छोरों का मरकब जुमेरात की सुबह के सफर में बहुत मुश्किल का बाइस बनेगा। बर्फ की मुश्तरका मकदार 15 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। बाद अज़ा जुमेरात और जुमे तक एक और निज़ाम वस्ती ऑन्टेरियो में मजीद बर्फ लाएगा और खत्ते में ज्यादा ठंडी हवा लाएगा। तमाम सियासी पनाह के मुतलाशियों को दूसरे सूबे में भेज दें। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि क्यूबेक ने अपने मुनसिफाना हिस्से से ज्यादा काम किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। तमाम सियासी पनाह के मतलाशियों को दूसरे सूबों में भेज दें, क्यूबेक के वजीर आजम ने ट्रूडो को बताया। क्यूबेक ने अपने मुनसिफाना हिस्से से ज्यादा काम किया है। कनाडा के सूबे क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसवा लीगो कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर जोर दे रहे हैं कि वो क्यूबेक में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुजीनों को जैसे ही वो सरहद पर पहुंचे दूसरे सूबों में भेज दें। यह खत क्यूबेक हुकूमत की तरफ से विफाक पर दबाव डालने की ताज़ा तरीन कोशिश है कि वो सूबे में दाखिल होने वाले खास तौर पर रॉक्सहम रोड पर बेकायदा सरहदी गुजरगाह के जरिए दाखिल होने वाले पनाह गुजीनों के बहाव को कम करें। पिछले हफ्ते क्यूबेक की इमिग्रेशन की वजीर ने कहा था कि सूबे का पैगाम बिलाखिर पहुंच रहा है क्योंकि रॉक्सहम रोड के जरिए मुल्क में दाखिल होने वाले ज्यादा तारकीन वतन को ऑन्टेरियो और दीगर सूबों को भेजा जा रहा है। अपने खत में वजीर आजम ने तमाम सियासी पनाह के मतलाशियों को उनके प्रोफाइल से कतई नजर मुल्क के दूसरे हिस्सों में भेजने का मुतालबा किया। खत में लिखा गया है कि क्यूबेक ने कनाडा के सियासी पनाह के मतलाशियों का मुकम्मल तौर पर गैर मुतनासिब हिस्सा लिया है, ये आमद जारी नहीं रह सकती। क्यूबेक पनाह गुजीनों को वसूल करने की सलाहियत से तजावुज कर गया है। क्यूबेक हुकूमत का कहना है कि सूबे की अवामी खिदमात और पनाह गुजीनों के दावेदारों को बराह रास्त मदद फराहम करने वाली कम्युनिटी तंजीमों दोनों की सलाहियत को उनकी हदूद से बाहर बढ़ा दिया गया है। लेगलेट का कहना है कि पनाह के मतलाशियों की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट करने से सूबों के तालीमी निज़ाम खास तौर पर मॉन्ट्रियाल में और फ्रांसीसी जबान के तहफ़ की सलाहियत पर भी दबाव पड़ रहा है। तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान भर में साबिक गैर मुल्की फौजी अड्डों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तब्दील करने का मंसूबा तैयार कर रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान भर में साबिक गैर मुल्की फौजी अड्डों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तब्दील करने का मंसूबा तैयार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने कहा है कि तवील मशावरत के बाद वजारत सनअत और तिजारत को अमरीका समेत गैर मुल्की फौजी अड्डों की जगह इकोनॉमिक स्पेशल जोन की तामीर की इजाज़त दे दी गई। नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने मजीद कहा कि दारुल हुकूमत काबुल और शुमाली सूबा बल्ख में फौजी अड्डों को तब्दील करने का एक पायलट मंसूबा जल्द ही शुरू किया जाएगा जिससे अफगान मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। तालिबान हुकूमत के एक तर्जुमान ने बताया कि इस वक्त हुकूमत की तमाम तर तवज्जो तिजारत और सरमायाकारी के जरिए मुआशी खुद कफालत को बढ़ाने पर मरकूज है। वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि अफगानिस्तान में बरामदात में इजाफा हुआ है और तालिबान इंतजामिया 2022 में महसूलात को बड़ी हद तक मुस्तहकम रखने में कामयाब रही। ख्याल रहे कि 2021 में तालिबान के इक्तदार संभालने के बाद से अफगानिस्तान के आलमी फंड्स मुंजमद हैं जिसके बाईस 20 साल से जंग का शिकार मुल्क की मईशत ज़बोहाली का शिकार है और गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को एक साल मुकम्मल होने से कुछ रोज़ कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने पहले गैर ऐलानिया दौरे के दौरान कीव में यूक्रेनी सदर से अहम मुलाकात की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को एक साल मुकम्मल होने से कुछ रोज़ कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने पहले गैर ऐलानिया दौरे के दौरान कीव में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अहम मुलाकात की है और जंग के दौरान अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा, हमें पूरा एतमाद है कि यूक्रेन गालिब रहेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ये सोच इंतहाई गलत है कि रूस यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों को पीछे छोड़ सकता है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक बाइडन के दौरे का मकसद यूक्रेन की जमहूरियत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अमरीका के गैर मुतजलजल अजम की तस्दीक करना था।
दौरे की मंसूबा बंदी कई महीनों से की जा रही थी। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक जो बाइडन ने जेलेंस्की के हमरा उन फौजियों की यादगार का भी दौरा किया जो रूस के क्रीमिया के इलहाक और उसकी प्रॉक्सी फोर्सेस के मशरकी डोंबास के इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के बाद 9 सालों में हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि जो बाइडन के इस दौरे के नतायज यकीनन नजर आएंगे और यकीनन हमारे इलाकों को आज़ाद कराने के लिए मैदान जंग में उनकी झलक देखी जाएगी। ये एक अलामती दिन है जिससे जाहिर होता है कि यूक्रेन दुनिया के लिए कितना अहम है। जेलेंस्की ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के दौरान हमने हथियारों की फराहमी के बारे में भी बातचीत की है जो अभी तक फराहम नहीं किए गए हैं। दूसरी जानिब दौरे के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की सिक्योरिटी इमदाद के एक नए पैकेज का ऐलान भी किया है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान अदीबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। News are precise and effective.